यो हमारे एस डी एल क्लासेस में आपका स्वागत है। फाइनली मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो हेलो गाइज मैं लेके आ चुका हूँ ये प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न देख पा रहे हैं आप, पीत बिंदु एवं अंध बिंदु में अंतर। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने के लिए 100% संभावना है। तो आप इसे तैयार करना कैसे, बहुत ही आसानी भाषा से समझाने की कोशिश मैं करूँगा। यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन पीत बिंदु है, दूसरा अंध बिंदु, इन दोनों में अंतर आता ही आता है। तो यहाँ पे देखिए पहला है रेटिना का वह भाग जहाँ पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे जो आपका आइस होता है, आँख होता है, उस पर जो सबसे स्पष्ट जो आप देख पाते हैं, जो आप देख पाते हैं वह प्रतिबिंब जहाँ स्पष्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। अब यहाँ पे अंध बिंदु की बात होती है, तो अंध बिंदु क्या है, तो रेटिना का वह भाग जहाँ पर किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता उसे हम क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप एक लाइन में समझ सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आँख है, आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, उसे आप जब जो चीज़ देख रहे हैं आपको अगर स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है, तो आपके पीत बिंदु जो चीज़ आपको स्पष्ट देख रहे हैं उसे आप पीत बिंदु कहेंगे, और जो जिसे आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे आप, अंध बिंदु। ठीक है, लिखने का तरीका क्या क्या रहेगा, रेटिना का वह भाग जहाँ पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है उसे हम पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अंध बिंदु में देखेंगे रेटिना का वह भाग जहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं या फिर अंध बिंदु कहते हैं। ये तो हो गया अभी पहली अंतर। अब चलते हैं अपन लोग सेकंड अंतर पे, और यहाँ पर आपके पास सेकंड अंतर है, पीत बिंदु पर शंकु एवं शलाका पाए जाते हैं। जी हाँ बच्चों, जो आँख होता है आपका, जहाँ स्पष्ट आपके प्रतिबिंब बनेंगे वहाँ पे शंकु और शलाका पाए जाएंगे, तभी आपके प्रतिबिंब स्पष्ट बन पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे अंध बिंदु का, वह अंध बिंदु पर शंकु एवं शलाका नहीं पाए जाते हैं, थोड़ी दूरी स्थिति पर पाए जाते हैं, इसलिए उनको थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता है। तो ये आपका फाइनली अंतर है। यहाँ पे एक बार आपको इसको हम फिर समझा देते हैं, आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजी अंतर है। पीत बिंदु अंध बिंदु, रेटिना का वह भाग जहाँ पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है उसे हम पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वाले पे अंध बिंदु में, रेटिना का वह भाग जहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है उसे हम अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसका अंतर सेकंड है, पीत बिंदु का वह पीत बिंदु पर शंकु एवं शलाका पाए जाते हैं। जी हाँ छात्रों, शंकु और शलाका एक ऐसा माध्यम है जिनके माध्यम से आप स्पष्ट कोई भी चीज़ देख पाते हैं। ठीक है, ये दोनों अंग हो गए आपके। यहाँ अंध बिंदु में, अंध बिंदु पर शंकु एवं शलाका नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं लेकिन थोड़ी दूर पर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अंध बिंदु कहा जाता है। फाइनली आपको अंतर समझ में आया होगा। ऐसे ही अंतर के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करें, हमारे एचडीएल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। वीडियो को जब तक शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। और हाँ, जिसे भी हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आके और ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ इनकी दे दी जाती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।